सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख। हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह जी, आप सारिया दे हिरदे दी चंगी भावना ते बुरी भावना दा गंता जानन वाले हो। गंता कहिंदे जिहनूं ज्ञान होवे, हरेक दे अंदर, किसी दे अंदर चंगी भावना, किसी दे अंदर मंदी भावना, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। तां सर्वगंता सारिया दे दिलां दी जानन वाले, सर्वहंता और सारिया नूं काल रूप होके हंता ना रंग किश त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। ओ रूप रेख रंग तो न्यारा है, इस करके एक अद्धी किताब पढ़िया जे कोई दावा करे ना भी मैं रब दे रूप नू जान लिया, रब दे सरूप नू जान लिया, तां महाराज कहिंदे भावे तू सारे शास्त्र ही पढ़ ला, सर्व शास्त्र सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ ला एक कानू, तां वी उहदा सरूप जिहड़ा है ना जान ही नहीं जाणिया जांदा है। रूप रंग अर रेख क्यों, उहदे रूप रंग रेख भेख नूं कोई नहीं जाण सकदा, कोई नहीं पछाण सकदा है। परम वेद पुराण जा कहै नीत भाखत नित। हे अकाल पुरख जी, तेरा स्वरूप ऐसा आश्चर्य ते अगाध है, जिस नूं जाकै है, जिस नूं चारे वेद ते 18 पुराण आदिक जिहड़े परम श्रेष्ठ, परम मैने सब तो श्रेष्ठ ग्रंथ मन्ने गए ने, नित हमेशा ही इस प्रकार वह भाखते रहिंदे आ, कहिंदे रहिंदे आ, व्याख्यान करते रहिंदे आ कि परमात्मा जिहड़ा है वह नेत है, मैंने बेअंत है, बेअंत है, किसी प्रकार भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। ये आम बंदा गल नहीं करता, ये धर्म के ग्रंथ, क्यों सब तो वध खोज धर्म की भारत वर्ष दे विच होई है, इस करके इत्थे हर तरह का ग्रंथ मिल जाए, हर विषय ते ग्रंथ मिलेगा। बाकी जिन्ने धर्म ने उत्थे खोज तां होई आ रब दी, परमेश्वर दी, वाहिगुरु दी, पर जिन्नी उन्हां दी समर्था सी उन्ना की ज्ञान उन्हां नूं परमेश्वर वल्लों पैगंबरां राही, महापुरशां राही, संतां राही, साधुआं राही दवाया गया। हुण इधर हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उहदे विच्चों ही बुद्ध धर्म, जैन धर्म, किन्ने धर्म ने, हुण ईसाई धर्म इत्थे नवा आया, पहला नहीं सी हैगा, मुसलमान भी इत्थे नवा आया, पहला नहीं सी हैगा, जदों मुसलमान इत्थे आउणे शुरू होए उदों ही आया,
इसे तरह नवीन धर्म की है सिख धर्म। इत्थे धर्म की खोज बहुत हुई है तां ये जिन्ने भी धर्म ने इन्हां दे जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने ये सारे परम ने, परम मैंने श्रेष्ठ ने सिराइया, तां ये जिन्ने श्रेष्ठ ग्रंथ ने वह की आ वेद, परम वेद, चार वेद हो गए, पुराण 18 पुराण हो गए आदक, जाके जिस वाहिगुरु नू नित हमेशा ही ये कह के उदी वड़ियाई करते आ कि वह नेत आ, ये कह के भाखते आ कि वह बेअंत है, उदा कोई अंत नहीं जान सकता, नेत नेत कथंत वेदा, ऊच अपा मूच अपार गोबिंदा है। जां धन महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी शब्द हजारियां च बड़ा सुंदर फरमाउंदे ने, कृपा करदे ने, वेद पुराण कुरान सवै मत जा कह नेत कह है, इंदर पुनिंदर मुनिंदर कल्प बहु बहु त्यावत ध्यान ना ऐ है, त्यावत ध्यान ना ऐ है, जिन्हों इंदर फुनिंदर मुनिंदर कल्प बह त्यावत ध्यान है तभी वह ध्यान दे विच नहीं आने वाला, क्योंकि दो तरह का सरूप मनिया गया ना, एक तो है शरीर वह तो ध्यान च आ सकता है जिमें सरगुण रूप है वह ध्यान च आ सकता है, वह कादे वास्ते आ दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, वो भगतां ते दर्शन देने वास्ते कृपा करने वास्ते। एक रूप होंदा जोत रूप, आ पिछे जे आपां थोड़े दिन ही होए नौवें पातशाह दा 400 साल प्रकाश पुरब मना के हटे हैं ना, तां इह जिहड़ा 400 साल प्रकाश पुरब मनाया नौवें पातशाह जी दा, ते कुदरती गल है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस करके लाया गया, पर ये कोई गल चंगी नहीं, पंजाब दे विच लॉकडाउन ही लाउणा सी, एक दिन ठहर के ला लैंदे, किहड़ी अग लगी सी 1 तरीक नूं 1 मई नूं शनिवार, महाराज दी शताब्दी सी, 400 साल प्रकाश पुरब, 400 साल हो गए नौवें पातशाह, ते जे सिख प्रेम नाल मना लेंदे शरदा नाल मना लेंदे ते की अग लग चली सी, एक दिन ओही 2 मई नूं शुरू कर लेंदे, 3 मई नूं शुरू कर लेंदे भी असीं सिख हां, पर इस बन्ने आपां ध्यान नहीं दिंदे। इत्थों पता लगदा वा भी जिन्हां नूं असीं सिख समझदे वी आ ना, ओह वी विचारे सिखी दी ABC उहनां नूं आउंदी हुंदी है नहीं, आ पता पता है नहीं, ओह जम्मे सिखां घर ही आ, उन्हां दे अंदर वह भावना है नहीं जिहड़ी महाराज ते होनी चाहिए। नौवें पातशाह दा दिहाड़ा मना के हटे है, ते दमदमी टकसाल वालों होर संपर्दावां वालों किडे किडे लंगर लाए गए, जिन्हां किसे ते महाराज ने कृपा की है बित, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शुद्ध पाठ बोध किया गया महापुरशां वालों, भाई मखण शाह की साखी बड़ी प्रसिद्ध है। आपां गल करदे पए सी भी एक तां हुंदा शरीर, एक हुंदा जोत, जोत रूप कह दिंदे ना, ज्योति रूप वाहिगुरु जी, ज्योति रूप जोत स्वरूप महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव साहिब, यह दो चीजां ने। जदों भाई मखण शाह का बेड़ा रेता दे विच फस गया, इहो जी जगह जिथे कोई नामो निशान ही नहीं बंदे दा, लागे टापू है पर वो जिथे फसिया उत्थे नामो निशान ही कोई नहीं, उहदे नौकरां ने बहुत जोर लाया थले उतर के भी रेता च भी पछाण हो जे किसे तरह निकल जे, पर नहीं निकलिया। उत्थे भाई मखण शाह दा इतिहास दसदा है कि उन्हें गल च पल्ला पाया, जोड़े लाए, मूँह धोता, हाथ धोते, पैर धोते, तो हाथ जोड़ के खलो गया। उत्थे किहड़ा महाराज का सरूप सी भी जिहड़े बन्ने महाराज का सरूप आपां ते उह बन्ने खलोणा हुंदा,
उन्हें अरदास की भी मैं ज्योति रूप गुरु अगे अरदास करता। उन्हूं पता सी भी श्री गुरु हरकृष्ण साहब गद्दी ते है, उन्हां नूं ए नहीं सी पता भी नौवें पातशाह बह चुके ने, क्यों तां वपार करन गए सन समुद्र दे विच। उन्हें जिहड़ी अरदास कीती उह की कीती भी जिहड़ा भी सतगुरु है वह कौन ज्योति रूप, जिहड़ी ज्योति रूप सतगुरु है वह हर जगह ते हाजर है। प्रतख स्वरूप की हुंदा है वह तो आप जिवें दर्शन करते ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, वह तो हो गए प्रतख, शब्द मूर्ति हो गई, शब्द स्वरूप हो गया। एक रूप उहदा इतां दा जिहड़ा हर थां ते हाजर है उहनूं की कहिंदे ज्योति रूप। अरदास करदे ना ज्योति रूप वाहिगुरु परमेश्वर, उहने आख्या मैं ज्योति रूप सतगुरु अगे अरदास करदा, जिहड़ा हर थां ते हाजर है भी जिहड़ा भी तेरी गद्दी ते आ मेरी सहायता करे। हुण जदों ये बचन भाई मक्खण शाह ने अरदास करके कीते तां आप हैरान होवोगे इधर कौन उदों नूं गद्दी ते बह चुके सी, इधर श्री गुरु हरकृष्ण जी ज्योति ज्योत समा चुके ते गद्दी दा सी रौला। नौवें पातशाह अजे प्रगट नहीं सी होए जिन्हां नूं गद्दी महाराज ने बचना द्वारा दे दित्ती सी, तां नौवें पातशाह जाणी जाण सतगुरु ये किथे समुंदर दे विच वपार करदा पिया ते इधर महाराज किथे बैठे बाबे बकाले, इत्थे अरदास पहुंची सिख दी भाई मक्खण शाह दी, तां जाणी जाण सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर इन्हां ने अरदास सुनी ते मन दे विच आया वी इहदी सहायता करिए कि ना करिए, ये गल नोट करन वाली आ वी असी प्रगट हो गए की लैणा वा। पर गुरबाणी की कहिंदी है भी जिहड़ा अपने आप नूं छिपा के रखदा परमेश्वर दा प्यारा वाहिगुरु उहनूं चार कुंटां च प्रगट करदा है। तां महाराज दे इतिहास दे बचन भाई संतोख सिंह जी ने लिखे, रिदे बचारत जे ना करे अब गुर घर की महिमा सो घटे तब, जे दी सहायता ना ना कीती हुण इहदी शरधा टुट जाणी। ते अगले बचन कमाल दे ने, होत सहायक ही बन आवै जिस ते सिख शरधा दिखावै, गुरु ओ काम करे जिहदे नाल सिख दी शरधा वधे। आपां ते अज तक यही सुनिया सी भी जिहड़े संत हुंदे ओह शरधा तोड़ के रखदे नालदियां दी, इह झूठ आ, इह बिल्कुल झूठ आ। भाई संतोष सिंह मुताबक गुरु ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟੇ। ਹੋਤ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਬਣਿਆਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਕਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਏ, ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਹੁਣ ਦਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਹੁਣ ਸਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਾਲਯੁਗ ਹੋਏ ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ,
सिमरन करन दी लोड़ नहीं, बंदगी करन दी लोड़ नहीं, पाठ करन दी लोड़ नहीं, गुरद्वारे मत्था टेकन दी लोड़ नहीं, बस दिल च होना चाहिदा। इत्थे जिहड़ी गल भाई मक्खण शाह ने कीती उह कमाल दी सी। अगे भी कई वारी आपां इह कथा च गल कर चुके हां। इत्थे भाई मक्खण शाह ने आख्या सच्चे पातशाह तू द्रौपदी दी सहायता कीती सी, क्यों उन्हें तेरा सिमरन किया, पर तू राजा युधिष्ठर की सहायता नहीं की जिहड़ा जुआ खेड़ता पिया। अच्छा क्यों नहीं की? युधिष्ठर भी तो भूआ का पोती सी ना, पांच पांडव भगवान कृष्ण की भूआ दे पोत। परमात्मा ने द्रौपदी की सहायता की, पांडवों की नहीं। जुआ खेडिया, 14 साल बनवास लिया, धक्के खाधे, दर दर से ठोकरां खाधिया, दुखी होंदे रहे, परिवार नूं दुखी कीता। हुण इत्थे भाई संतोख सिंह जी सवाल भाई मक्खण शाह दी रसना तो करदे। भाई मक्खण शाह कहिंदा पिया महाराज तू द्रौपदी दी सहायता कीती पर तू युधिष्ठर दी सहायता नहीं कीती, क्यों? ये सवाल आ क्यों? तां ओह फिर जवाब लिखदे ने, सिमरन ते नित होत सहाई रावर बिरद सनातन गाई। ये इतिहास के बचन ने। परमात्मा जदों भी सहायता करता वा सिमरन नाल करता। द्रौपदी ने सिमरन किया कि मेरी सहायता होवे, तां उहदा नंगेज ढकिया, पर्दा ढकिया, पर युधिष्ठर ने सिमरन नहीं किया रब का। उन्होंने माण सी, महाराज ने आख्या सी जुआ खेडना धर्मी बंदे का काम नहीं। वो कहिंदे असी राजे हाँ छत्री हाँ, जिवें कह दिंदे ना कई, असी छत्री हाँ जी, साडा ये काम ही आ। तां महाराज कहिंदे फिर खाओ धक्के जे काम ही आ ते खेडो जुआ ते जाओ बनवास। पर द्रौपदी ने उन्हां दी सिमरन कीता, सहायता मंगी, तां भाई संतोख सिंह कहिंदे सज्जणा सहायता उन्हां दी हुंदी आ जिहड़े सिमरन करदे आ, जिहड़े पाठ करदे आ। जिहड़े उहदा सिमरन नहीं ना करदे, उन्हां दी उह सहायता नहीं करदा। इह किते गुरबाणी भी पढ़ लो ते उत्थे लिखिया वा जो जन तुमरी भगत करंते तिन के काज सवारता। जिहड़े तेरी भगती करनगे उन्हां दे तू काम सवारेगा, होर किसे दे नहीं। तां इत्थे दो गल्लां हो गईयां। गल चलदी पई सी एक गुरु किहड़ा साक्षात प्रतख, एक हुंदा जोत रूप सतगुरु। इत्थे गल चलदी पई जोत रूप दी, जिहड़ा हर थां ते हाजर है, जिहड़ी जोत है परमेशर आ जिहनूं आपां कह दिंदे आ। उहदे महाराज प्रेम नाल दसदे ने कि उह वाहिगुरु परम वेद पुराण जाकै, परम जिहड़े श्रेष्ठ वेद चार पुराण 18 जिन्हों नित ही नेत पाखत की कहिंदे आ, बेअंत है बेअंत है बेअंत है, ऐसा वाहिगुरु। जाप साहब च जिन्नी भी कथा आऊगी ना बाणी दी, ये जोत रूप दी गल चलेगी कि जिहदा शरीर नहीं, जिहड़ा हर थां ते हाजर है, जिहदा रंग नहीं, रूप नहीं, चक्कर नहीं, चेन नहीं, उहदी व्याख्या चलेगी। कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवही बहु चित। भावें सजना ओ जिहड़ा जोत रूप परमात्मा ना, भावें तू करोड़ां सिमरतियां पढ़ ला, पुराण पढ़ ला, शास्त्र पढ़ ला, वो किसी तरह भी चित देखण विच नहीं आउंदा। परमेशर केवल पढ़न पढ़ाउण दे नाल रब दे दर्शन नहीं हुंदे भी मैं 100 किताब पढ़ ली ते हुण मैनूं मिल पूगा। पढ़न पढ़ाउण दे नाल ते सिर्फ सियाणप ते जानकारी प्राप्त हुंदी है, दर्शन उन्ना चिर नहीं हुंदे जिन्ना चिर कोई चौंकड़ा मार के अभ्यास नहीं करता। सतगुरु की लिखदे, कई करत कोट विद्या विचार, नहीं तदब दिष्ट देखे मुरार।
ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ 33 ਸਵਈਆਂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦ ਲਹਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਸਭੈ ਕਰ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦ ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਧਰੂਸੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਤਰੀ ਗਨਕਾ ਸੋਈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹਮਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣੋ ਅਣਦਗੀ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਖੰਡਾਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ, ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਪੇਖ, ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਨ ਹੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ, ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤ ਭਾਖ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਬਹੁਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਆ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਜੰਮੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਜਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਲੋਭ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਆਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਕਰ ਬਹੁ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸਵਾਸ।
भाव कि रज ना कोई जीव आ कूड़े परवासे, जिवें दुनियावी बंदा पैसे चो नहीं रजदा, दुनिया तो नहीं रजदा, इसे तरह संत भी नहीं रजदे। भी संतां नूं भी लोभ आ, वैसे कहिंदे संतां नूं कोई लोभ ही नहीं हैगा, नहीं गुरबाणी मुताबक संतां नूं भी काम आ, संतां नूं भी लोभ आ। जिवें कलगीधर जी नूं की कहिंदे ने, मैनूं भी एक लालच आ, ओह की इह लालच हो तौ गुण उचरो, मैनू तेरे गुण उचारण करन दा लोभ आ, भी तेरा नाम जपी जावां, तेरे गुण गाई जावां। तां संतां नूं रब दे नाम जपण दे विच्चों रज नहीं आउंदा, इस करके वह मुड़ मुड़ के दुनिया च आउंदे ने ते नाम जपदे ते जपाउंदे ने। इत्थे नाम दी दास गल तां कर रिहा इस अखीरले सवैये च। इत्थे महाराज कलगीधर कहिंदे भावें करोड़ां सिमरतियां पढ़ ला, करोड़ां पुराण पढ़ ला, नाम जपण तों बिना वह चित दर्शनां विच नहीं आउंदा, उहदे दर्शन नहीं होंदे। एक संत होए ना, संत दादू दीन दयाल साहब, दादू द्वारा कह दिंदे आ, जिथे कलगीधर भी गए, सच्चे पातशाह गए, ते कलगीधर महाराज की यह उस्तत आ, कलगीधर स्वामी सुखै गामी। कलगीधर का नाम लोगे तो वह बदो बदी तुहानू सुखै गामी सुखां विच खिच के लै जाणगे। जिन्हें एक बारी भी कलगीधर का नाम लिया उन्हें सुख प्राप्त होगा। तां कलगीधर महाराज भी गए ने, आप हैरान होवोगे। एक बंदा कहिंदा गुरुद्वारे जाया की मिलता वा, वह कहिंदा आ जा चलदे आ। महात्मा नूं लै आया, पहलां जी जोड़े लाए, उत्थे एक बंदा कहिंदा जी जोड़े दे दो मैनूं, उन्हें जोड़े फड़ ले। फिर चरण गंगा च पैर धोते, फिर दरबार विच आए ते जिवें राजियां अगे मैट विछिया हुंदा ना, मैट तगड़े बंदियां अगे रैड कारपेट विछाउंदे ना, वी इहदे ते चल के आ, इदां इक मैट विछिया आ जा। फिर गलीचा अगे विछिया सी गोलक अगे, उहदे मत्था टेकिया, एसी लगे, पखे लगे, उत्थे बह के कीर्तन सुनिया, पाठ सुनिया, घड़ी संगत कीती, ते उठ के लंगर चले गए, प्रशादा छकिया, प्रेम दे नाल परोसिया, भांडे फड़न वाले होर कोई, खवाउण वाले होर कोई, जांदियां नूं जिहड़े जोड़े फड़ाए सी उह वी पालस कीते। ते कहिंदा संत जी मेरी गल दा जवाब ही नहीं दिता, महात्मा जी भी गुरुद्वारे जाया की मिलदा, कहिंदे अजे पता ही नहीं लगा भी गुरुद्वारे जाया की मिलदा। ओ महापुरश कहण लगे, सज्जणा कोई किसे दे जोड़े फड़ के राजी नहीं, अगलिया हाथ कीते भी जोड़े दे, तेरे तुरन वास्ते कारपेट लाया, तू बह के कीर्तन का आनंद माणे, बाणी का आनंद माणे, एसी लगे, पखे लगे, अमृत रूपी कीर्तन चलता पिया, मन नूं शांति देण वाला प्रशादा तेनों छकाया गया, भांडे किसी ने फड़े, जोड़े फिर तेरे साफ करके पालश करके तेनों दिते गए, अजे पता ही नहीं लग्या भी गुरुद्वारे जाया की मिलता। इत्थे ते एक बारी बंदा पैर पावे ते बादशाह वर्गा सत्कार कीता जांदा, कोई भी मत्था टेकण आवे, एडा वड्डा सुख ते सत्कार इत्थे एक बारी मत्था टेकण ते मिल जांदा। इस करके साडे धार्मिक ग्रंथ की कहिंदे है, उत्थे तू जाना शुरू कीता ते तेरा सत्कार ते सुख मिलना शुरू हो गया, बादशाह वर्गा तेरा सत्कार होया। तां कलगीधर स्वामी सुखै गामी। कलगीधर किदां दा नाम आ, जिन्हें एक बारी मूंह तो कह दिता ना, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे उहनूं बदो बदी सुख प्राप्त होवेगा।
वह नाम ही चाहे उन्होंने सुख मिलेगा। तो जिहड़ा चौंकड़ा मार के उन्हों का नाम जपदा होगा उहदे उत्ते किड्डी वड्डी कृपा हुंदी होवेगी। हुण वायरस चल रहा करोना वायरस ते किसी सज्जन ने लिख के पाया सी ना किड्डा सोहणा वी जिहड़ा हरिमंदर साहब दीआं लाइनां विच खड़ेगा उहनूं होस्पिटल दीआं लाइनां च नहीं खलोणा पवेगा। एड्डी वड्डी कृपा वरतदी इस घर दे विच ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਪੰਕਤੀ ਇਸੇ ਛੰਦ 'ਚ ਬੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ बंदा साह तो ही मरता जा रहा जा एहो जा हुक्म चलता पिया जिहड़ा रोकिया नहीं जाना किसे तो। ते जदों गुरु साहब नूं मत्था टेकण जाइए लाइन च खड़िए एवें खिज ना जाया करो इत्थे जिहड़ा अद्धा घंटा खलो गया उहनूं हॉस्पिटलां दीआं लाइनां च ही नहीं खलोणा पैंदा जाके। एड्डी वड्डी कृपा इत्थे वरतदी है वाहिगुरू सच्चे पातशाह दे इस पवित्र स्थान उत्ते। तां आपां गल करदे पए सी उत्थे कलगीधर भी गए जिन्हों कहिंदे दादू द्वारा जिहड़े वड्डे संत सी उहनां दा नाम सी दादू दीन दयाल। उहनां सारी उम्र परमेशर वाहिगुरू जी का नाम जपिया ते दसण आले दसदे ने कि उहनां जिंदगी च अंदाजा वा एक खरब वार वाहिगुरु का नाम जपया होगा। भुलेखा ना लग जे 100 अरब 1 खरब भुलेखे ना नहीं कह रहा इदा आउंदा उन्होंने जीवन च ते इत्थे शंका हो सकती है कोई बंदा 100 साल भी जिउंदा रहे वो 1 खरब वार किदा नाम जप सकता। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਖਰਬ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ आ पिछे भी आप एक बार गल की सी ना भी एक धार्मिक पुस्तक च लिखिया सी भी 40,000 कह दें 5 मिनट वाहगुरू वाहगुरू कर लिया करो चलो ठीक है जोड़ना वा सियाने सज्जन जोड़ते हैं प्यार नाल पर जिहड़ी अवस्था की गल है वह किदां बनती है एक किताब च लिखिया सी ये तो हुण जिहड़े संत नाम जपदे होणगे महापुरश उन्हां नूं पता होगा नाम जपण च ते नाम दियां गल्लां करन च किन्ना क फर्क है। पहला भी बेनती की सी जाप साहब की कथा करदे आ रब नू प्राप्त करन ते रब दियां गल्लां करन च किन्ना क फर्क है। कहिंदे कजा न्याणा आप जमणा ते कजा न्याणा किसे दा अडोप्ट कर लेना आखो सतना कजा मां ने आप जमया 9 महीने ढिड च पार चुकया ते मौत तो वध दर्द सहार के जिंदगी नूं जन्म दिता ते कजा किसे दा बच्चा गोद लै लिया वह गल ही नहीं बनती वह मां भाव पैदा ही नहीं हुंदा कोशिश करदे आ पर हुंदा नहीं। इन्ना फर्क हुंदा रब दियां गल्लां करन च ते रब नूं पा लैण च। पर धन ने जिहड़े गल्लां भी करदे आ अज गल्लां करदे ने कल नूं ओह पाउणगे भी गुरु कृपा करेगा जे ओह गुण गाउंदे ने तां महाराज दी उहनां ते बख्शिश भी होवेगी। पर वैसे जे गल कीती जावे तां इन्ना फर्क है जिवें कोई कवे भी तरना कजा तरना कजा तरन ते किताब लिख देनी ते कजा
दीड़े ला के दरिया च उतर के वेखना किन्ना फर्क। मुला नसरुद्दीन किड्डा वड्डा विद्वान पुरश होया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੜ ਉੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਤਰਨਾ ਤੇ ਕਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰੀਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੀਦਾ, ਆਪ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ 40,000 ਬੈਖਰੀ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਪਾਂਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਆ, 40,000 ਅਪਾਂਸੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਸੰਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, 40,000 ਪਸੰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਤੇ 40,000 ਜਦੋਂ ਪਰਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਪਰਾ ਮੈਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਾਦੂ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦੰਤੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਏ ਸਨ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਘੜੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਾਗਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੌਂਸ ਰਹਿ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਂਸ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੌਂਸ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਓਡਾ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੌਂਸ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਖੀਰਲਾ ਦੋਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੇਹ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਹੌਂਸ ਰਹੀ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਦਾਦੂ ਜੈਸਾ ਨਾਮ ਥਾ ਤੈਸਾ ਲੀਨਾ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਸੀ ਨਾ ਉਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਖਰਬ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਂਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ 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 ਜਾਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਓ, ਆਪ ਮੁਕਤ
मुक्त करे संसार नानक ते इस जन को सदा नमस्कार। महाराज की कहिंदे, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधार। जेड़ा नाम आप खावेगा आप जपेगा होरना नू जपावेगा वह मुक्त हो जाएगा। तां संत दुनिया च कादे वास्ते आउंदे आ? कर्मां दा फल भोगण नहीं आउंदे। संत तां नाम जपण ते जपाउण आउंदे आ। हुण इह गल जे आपां देखणी होवे वी इह ठीक है। एक प्रमाण हो गया धन तन जन धन जन आया। दूजा प्रमाण की है? श्रीमान भाई नंद लाल सिंह जी वो लिखते ने, हवाए बंदगी अवर्द दर वजूद मरा। हवा कहिंदे इच्छा नूं, बंदगी कहिंदे भगती नूं, नाम जपण। तेरी भगती दी इच्छा अवर्द कहिंदे ने लियाई है दर अंदर वजूद शरीर दे मरा मैनू। तेरी भगती दी इच्छा मैनू मुड़ मुड़ के दुनिया च लैके आउंदी। वगरन है जोक चुनी आमदन नबूद मरा, नहीं ते मैं इस दुनिया विच आण के की करना सी। वो लिखते ने, खुश बवद उम्र के दर याद बेगुजरद। ओही उम्र चंगी आ जिहड़ी वाहिगुरु की बंदगी च लंघे। वरना है चे हासल अस अजी गुमदे कबूद मर। कबूद कहिंदे नीले नूं, जे वाहिगुरु की बंदगी नहीं सी करनी ते ये नीली छत दे थले आके मैं की करना सी। तां इस करके कलगी धर किड्डा सोहणा फरमाउंदे। वो कहिंदे, सज्जणा भावें करोड़ां सिमरतियां पढ़ ला, करोड़ां शास्त्र पढ़ ला, करोड़ां किताबां पढ़ ला, कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवही वह चित। जिन्ना चिर उहदा सिमरना कीता जावे वह वाहिगुरु चित विच नहीं आउंदा, भाव दर्शना विच नहीं आउंदा, उहदे दर्शन नहीं हुंदे। ये कलगीधर सच्चे पातशाह कृपा करदे ने। होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी, अगे वास्ते सारी संगत ने सुमत बख्शणी जी। लेखै कते न छूटीऐ खिन खिन भूलण हार, बख्शन हार बख्शलै नानक पार उतार। परम वेद पुराण जाक है नेत भाखत नित, कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवही वह चित। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।